नमस्ते, मैं रेनू आप सभी का स्वागत करती हूँ मॉमिलॉजी विथ रेनू में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की एक्टिविटी हमारी बहुत ही आसान सी एक्टिविटी है और एकदम एप्ट है फॉर द कमिंग डेज विच इज क्रिसमस डे। तो आज हम लोग जो एक्टिविटी करेंगे वो क्रिसमस डे से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के घर में कुछ ना कुछ प्लानिंग तो चल ही रही होंगी। जिनके घर में बच्चे हैं दे आर मोर एक्साइटेड टुवर्ड्स यू नो मेकिंग क्रिसमस अ स्पेशल डे। तो किसी के घर में केक बनाने की तैयारी होगी, किसी के घर में सांता क्लॉज बनाने की तैयारी होगी, किसी के घर में खुद सांता बनने की तैयारी होगी और किसी के घर में क्रिसमस ट्री बनाने की भी तैयारी होगी। तो मेरे घर में आज मैं और मेरी बेटी ने प्लान किया है कि हम लोग आज एक छोटा सा क्रिसमस ट्री बनाएंगे। और ये क्रिसमस ट्री का सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इस क्रिसमस ट्री को हम लोग घर में ईजिली अवेलेबल और जिसको हम लोग नॉर्मली वेस्ट समझ जाते हैं उस चीज़ से बनाएंगे। तो बेसिकली विल बी यूजिंग वेरी फ्यू स्टेप्स, लाइक वी आर गोइंग टू यूज कलर्ड चार्ट पेपर। हम लोग क्रिसमस ट्री बना रहे हैं तो हम लोग इसके लिए ग्रीन ट्री मैंने प्रिफर किया कि ग्रीन ही बनाते हैं बिकॉज ट्री इज एक्चुअली ग्रीन, इट लुक्स गुड ऑल्सो। सो हम लोग ने ग्रीन चार्ट पेपर लिया है। साथ में मेरे पास कुछ बर्थडे गिफ्ट पैक करने के लिए जो ग्लिटरिंग पेपर आते हैं तो वो मेरे पास कुछ वेस्ट में बचा हुआ था तो वो आया है यूज्ड। एंड कुछ डेकोरेशन की मटेरियल मेरे पास थे, कभी हमने दिवाली में यूज़ किया था या बर्थडे में यूज़ किया था राजवी के, तो उनको मैंने संभाल के रखा था कि इन फ्यूचर अगर मैं कुछ क्राफ्ट कराऊंगी उसे तो उसको मैं यूज़ करूंगी। सो आई हैव यूज्ड दैट एंड प्लस ग्लू। आप देखिएगा इससे कितना अच्छा एक एक्टिविटी निकल के आता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इस एक्टिविटी को बहुत ही इन्जॉय करेंगे और अपने घर में अपने बच्चों के साथ इसे करेंगे। एंड वन मोर थिंग, इस एक्टिविटी को पूरी देखिएगा, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक एड ऑन टिप दूंगी विद ऑलमोस्ट द सेम क्राफ्ट मटेरियल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द क्रिसमस ट्री एक्टिविटी। फिर हम लोग क्या बनाएंगे? वेरी गुड। अच्छा मम्मा आप बताओगे हमें क्या क्या चाहिए? व्हाट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड? इट्स अ पेपर, इट्स अ चार्ट पेपर, राइट? एंड व्हाट आर दीज पेपर्स बेटा? Right. And what else you require? Rajvi, what else you require? You need this? Yeah, we need glue also. So let's get started. You are excited? Yeah. Very good. Let's get started. या बेबी अपने फ्रेंड्स को कुछ कहना है? ओके गिव देम योर लव। ओके सभी को आई होप आप लोगों ने देखकर ही बहुत एंजॉय किया होगा क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी एंड आपके बच्चे घर में इस एक्टिविटी को करने में बहुत एंजॉय करेंगे बिकॉज आई हैव माइसेल्फ विटनेस राजवी बीइंग वेरी हैप्पी इन डूइंग दिस एक्टिविटी विद मी। शी वाज एक्चुअली एंजॉयिंग वेरी मच। तो मुझे भी ये एक्टिविटी करने में बहुत ही मज़ा आया उसके साथ। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक एड ऑन टिप दूंगी विद द सेम क्राफ्ट मटेरियल एक और एक्टिविटी करने के लिए, तो वो टिप है ये शांता। ये मैंने रेड कलर के चार्ट पेपर से बनाया है विद द सेम स्टाइल, लाइक कोन बनाया मैंने, एक मुस्टैच काट दिया ब्लैक पेपर से, थोड़ा सा डेकोरेशन से सजा दिया और कॉटन्स लगा दिया। ये ऑलमोस्ट ये मटेरियल सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग दिस रेड ग्लिटर पेपर देन ऑल्सो आप कोई भी ग्लिटरी पेपर जो आपके, जैसे मैंने बर्थडे पेपर पैकेजिंग में जो यूज़ करते हैं उसको यूज़ करें, तो इस तरह से आप ये कैप बना सकते हैं। इक्वली आपका ये शांता बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ क्रिसमस के लिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन
सो दैट आपको मेरी नई नई एक्टिविटीज़ के नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहें और आप और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। प्लीज़ डू लाइक कमेंट सो दैट मैं अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकूँ और आपके साथ और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए आप सभी प्लीज़ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय, नमस्ते।